बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। वेलकम करते हैं जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे वैविश में। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। मॉर्निंग का आगाज़ होता है चाय के साथ, चाय मैंने पी ली है। अभी करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद जो हमारी डेली की घर के काम काज की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब हमारी वीडियो के साथ साथ रहेंगे। शाम के असर का टाइम हो गया और आज दिन कैसे चढ़ा कैसे उतरा मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि सुबह जैसे ही मैंने नाश्ता किया, चाय पी, उसके बाद मैंने मशीन लगाई, फिर हमने पेटी खोली, पेटी में बच्चों की सर्दियों की जर्सियाँ टोपियाँ वगैरह थी वो मैंने निकाली, और बेडशीट्स और सारे कमरों की दोबारा खुद खड़े होकर साथ मैंने काम वाले से सफाइयाँ वगैरह कम्प्लीटली करवाई, क्योंकि एक महीना हो गया था अपने हाथ से मैंने अच्छे तरीके से सफाई नहीं करवाई थी। जब तक इंसान खुद साथ खड़ा ना हो तो काम अच्छे तरीके से नहीं होता है। कपड़े छत पर सूख गए वो भी उतार लिए मैंने, जिस तरह से आप सब बहन भाइयों ने देखा। शाम का सालन बनाने लगी हूँ, लहसुन मैंने कूट ली है क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई था नहीं। ये है जी टमाटर, हरा धनिया, आलू, गाजर और मटर, ये हमारे मसाला जात, और देचकी में प्याज भी मैंने काट के रख ली है। साथ में मैंने आटा भी छान के रख लिया है क्योंकि मायरा जो है छोटी मुस्कान जारा को खिला रही है। आजान सिलेंडर भरवाने गया हुआ है मोहम्मद फैजान के साथ। जैसे ही घड़ी की सुई 5 पे जाती है फौरन अंधेरा होने लगता है, हालांकि अभी मगरिब की अजानें नहीं हुई है, अच्छा खासा अंधेरा हो गया और हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। जल्दी जल्दी से शाम का खाना बना लेते हैं। जिस तरह से आप सबने देखा शाम के खाने में हम आलू, गाजर और मटर बना रहे हैं मिक्स, तो मिक्स सब्जी बड़ी मजे की बनती है। काफी लोग इसमें गाजर और मूली और गोंगलू यानी कि जिसे शलजम कहते हैं, बंद गोभी, ये सारी चीज़ें मतलब 7 सब्जियां मिक्स करके भी बनाती हैं, लेकिन मिक्स वाला जो हिसाब होता है ना वो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। सो इसीलिए हम ये तीनों बनाते हैं, 3 सब्जियां मिक्स करके तो मज़े का सालन बनता है। बाय बाय।
गुज़िश्ता 3-4 दिन से मायरा की आँख का इन्फेक्शन हुआ हुआ था। रात को अच्छी भली सोई तो अगली सुबह आँख काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। काफ़ी दिन के बाद आज इसकी आँख की हालत कुछ बेहतर है। आज रेडनेस भी कम है और सूजन भी, वरना काफ़ी रेडनेस थी। छह दिन बाद डॉक्टर ने कहा कि दिखाना है। रात का खाना खा लिया, बच्चों ने बिस्तर वगैरह भी बना लिए हैं, सभी अभी खेल कूद में लगे हुए हैं। इस पिद्दी को चेक करें, ये पिद्दी भी लगी हुई है अपनी जद्दोजहद में। मुस्कान, हाँ मुस्कान, प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी की जद्दोजहद का एक दिन कम हो गया और इसी तरह कम होते होते जिंदगी एक दिन खत्म हो जानी है। तो जिंदगी को हंस कर गुजारें, चाहे दिल के अंदर जितनी भी तकलीफें हों, क्योंकि दुनिया इंसान का हर हाल में तमाशा ही बनाती है। सो अल्लाह पाक के साथ अपनी तकालीफ शेयर करें और उन्हीं से पनाह मांगे, अल्लाह से उसे हर टाइम तौबा इस्तगफार करे। पता नहीं अल्लाह पाक बख्श दे, लेकिन इंसान तो किसी को नहीं बख्शते। तो ये सारे दिन की रूटीन थी। आज सारे दिन में मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई और उस टाइम मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन घर में दूध नहीं है और होटल भी नज़दीक नहीं है। सो सब्र के साथ आज की रात गुजार लेते हैं। सुबह तो आपको पता है गर्मा गर्म एक कप चाय का पीना है, कप नहीं बड़ा मग होता है। तो मिलेंगे सुबह किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मरका। हम जा रहे हैं अभी अपने घर। इतना बड़ा मुंह आता है मेरा, अम्मी पता नहीं है जो बड़ा। घर की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, शाम हो गई है।